ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों को खेतों में बिजाई के लिए छोटा ट्रैक्टर नंदी काम आएगा और ढलान वाले खेतों में भी ट्रैक्टर बखूबी से काम करेगा। हमीरपुर के राजेश कुमार निवासी जनियारा ने करीब 4 सालों की मेहनत काम आई है और आज तक उन्होंने इतना छोटा ट्रैक्टर तैयार किया है कि जो कि केरोसिन से लेकर पेट्रोल दोनों से काम करेगा। मैट्रिक पास राजेश ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सस्ता पावर टिलर तैयार किया है। किसानों को खेतों में बिजाई के लिए छोटा ट्रैक्टर नंदी काम आएगा और ढलान वाले खेतों में भी ट्रैक्टर बेखूबी से काम करेगा। हमीरपुर के राजेश कुमार निवासी जनियारा ने करीब 4 सालों की मेहनत काम आई है और आज एक इतना छोटा ट्रैक्टर तैयार किया है जो कि केरोसिन से लेकर पेट्रोल दोनों से काम करेगा। मैट्रिक पास राजेश शर्मा ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सस्ता पावर लीटर तैयार किया है। इतना ही नहीं, छोटे से ट्रैक्टर नंदी का वजन भी ज्यादा नहीं है और कम बजट में ये ट्रैक्टर अब बाजार में उपलब्ध है। राजेश कुमार की माने तो जब भी पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए गए हैं तो ट्रैक्टर न पहुँचने से खेती बाड़ी करने में दिक्कतें पेश आती थी, तो इसी सोच को लेकर छोटा ट्रैक्टर नंदी बनाने का आइडिया दिमाग में आया और इसी के चलते पिछले 4 सालों से काम में लगे हुए थे। 10वीं पास राजेश कुमार का आइडिया काम आया है और बाजार में छोटा ट्रैक्टर को देखकर हर कोई हैरान है। 1.5 हॉर्स पावर इंजन के इस टिलर की बाजार कीमत महज 33,000 रूपए है, जबकि 5 HP इंजन वाले पावर टिलर की कीमत 45,000 रूपए है। अगर ये प्रोजेक्ट स्वावलंबन योजना में शामिल होता है तो इसे बनाने वाले व्यक्ति को स्कीम के तहत 25% अनुदान और अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। छोटे ट्रैक्टर नंदी को बाजार में लॉन्च करने के समय मैनेजर प्रत्युष चौहान, एक्सटेंशन ऑफिसर इंडस्ट्री प्रवेश कुमार भी मौजूद रहे। और मैं बचपन से ही कुछ टेक्निकल माइंड का विचार रखता था और जैसे जैसे कोई भी चीज़ मैं देखता था उसको ठीक करने में पूरा दिमाग लगा देता था कि कैसे इसको ठीक करना है या इसको कैसे बनाया, इसकी सारे में प्रारूप देखता था। और मेरे मन में जैसे मैं फील्ड में जाता था लोगों के घरों में, तो उनकी समस्या क्या है उसको देख कर उसके बारे में लोग अपनी परेशानियां बताते थे मुझे। और ट्रैक्टर का आइडिया ऐसे आया कि मैं जैसे ऊपर वाले इलाकों में जाता, जहाँ हाई एल्टी ज़्यादा है उन इलाकों में, तो वहाँ ट्रैक्टर नहीं पहुँच सकते थे लोग, मतलब खेत तो जैसे अपने हाथ से या किसी भी मतलब इससे बोते थे। तो फिर मेरे दिमाग में ट्रैक्टर का आइडिया आया कि कोई ऐसी डिवाइस छोटी सी बनाई जाए जिससे इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। तो मैंने बहुत मेहनत करके ये छोटी सी डिवाइस बनाई है और इसको चेक करके और इसके पूरे टेस्ट करके अब मैं बाजार में उतार दिया है इसको। नहीं, मैंने कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं ली, ये सारी भगवान की कृपा है, गॉड गिफ्ट है मुझे। जैसे मैं कुछ सोचता हूँ तो उसके आइडिया मेरे दिमाग में आते हैं। अपने 4 साल लगे, चार साल तक इसके ऊपर रिसर्च करता रहा, बनाता रहा, काटता रहा, बनाता रहा, काटता रहा। जब कोई सही सी बात आ जाती तो मैं उसको पक्का कर देता था। आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया खेतों में जाके, कैसा रहा इसका दिया? बहुत अच्छा रहा जी। मैनेजर प्रत्युष ने बताया कि राजेश कुमार के द्वारा बनाए गए छोटे ट्रैक्टर के आइडिया को भेजा जाएगा और प्रैक्टिकल शेप में तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आइडिया इम्प्रूव होते ही इसे बाजार में पूरी तरह से उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना हिमाचल सरकार ने स्टार्ट की है, उसमें कुछ ऐसा आइडिया, जैसे किसी बच्चे को या किसी को भी कोई भी आइडिया आता है लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल जब हम प्रोटोटाइप उसको तैयार करने में वो सक्षम नहीं हो पाता है, तो उसमें हिमाचल सरकार ने काफ़ी इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्ट किए हैं, जैसे JP यूनिवर्सिटी में है, IIT मंडी में है, NIT हमीरपुर में है और जल्दी करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में भी एक नया इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हम उस आइडिया को भेजते हैं और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, बच्चे हैं, वो उस आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप देने में उस जो एप्लीकेंट है उसकी मदद करते हैं। और फिर जब वो आइडिया एक प्रोटोटाइप में तैयार हो जाता है और उसको उन्होंने मार्केट में लॉन्च करना होता है, तो उसमें फिर हिमाचल सरकार कई तरह की रियायतें और इंसेंटिव्स और सब्सिडीज उस एप्लीकेंट को प्रोवाइड करती है, जिससे वो एक अपना उद्यम लगा सके और स्वरोजगार और उत्पन्न कर सके हिमाचल के युवाओं के लिए। एक्सटेंशन ऑफिसर इंडस्ट्री प्रवेश कुमार ने बताया कि छोटा ट्रैक्टर नंदी किसी भी खेत में जा सकता है और खेतों की बिजाई कर सकता है। उन्होंने बताया कि छोटा ट्रैक्टर 50,000 और 33,000 रुपए में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत केस को डाला गया है ताकि सर्टिफाइड होने के बाद किसी कंपनी के साथ MOU साइन करने की योजना है। जो हमारा ग्रामीण प्रवेश है और जहाँ पे ट्रैक्टर की पहुँच नहीं है,
तो इन्होंने कम किफायती दर पे एक ऐसी मशीन डिवाइस तैयार की है कि जो जिसको हाथ से ये चला सके। इसमें हालांकि टोटली मैकेनिकल बेस पे है और ये 5 HP का इसमें मोटर लगी हुई है और इसमें 5 हल है। उसमें किसी भी खेत में ये जा सकते हैं और उसको प्लोइंग कर सकते हैं। एक साथ तो जो भी फसल की सोइंग है वो भी मतलब इससे हो सकती है। और ये इन्होंने किफायती उस पर रखा हुआ है और क्योंकि ट्रैक्टर वो कॉस्टली होता है और उसके जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो जो हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है, कई बार जो खेतों तक पहुँच है वहाँ तक ट्रैक्टर की नहीं हो पाती है, लेकिन ये काफ़ी मूवेबल है, छोटा सा डिवाइस है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं और अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। एक हल का एक मैकेनिकल जो प्रतिरूप है ये। अभी तो सर जैसे प्रत्युष मैनेजर सर ने इनका केस जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन में डाला हुआ है और कल मैं बैंक मैनेजर से गया भी था, उन्होंने कहा कि आप इसकी कोई सर्टिफिकेशन का कोई कुछ कीजिए कि वो सर्टिफाइड हो कि हाँ इसकी जो इंजन है या जो भी है। तो उषा कंपनी के साथ वालों से साथ इनको बोला गया जो राजेश जी हैं कि वो वहाँ से MOU करें और फिर हम वो बैंक को देंगे और फिर इनका स्वावलंबन का जो केस अगर हो, मुख्यमंत्री स्वावलंबन का केस होता है तो फिर ये व्यवसायिक स्तर पर मतलब उसका और ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये मतलब अपनी तरह का एक पहला एक प्रोजेक्ट है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं तो उसको स्टार्टअप के थ्रू भी लिया जाए।